दुनिया भर से हमारे सामने कुछ ऐसे केस आते हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं होता। इनमें से कुछ लोगों के पास तो गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज होती हैं और कुछ लोग अपने आप को दूसरों से अलग बनाने के लिए अलग अलग तरीकों को यूज करते हैं। इसलिए आज इस वीडियो को शुरू से बिल्कुल आखिर तक के देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात की है जो दुनिया में बहुत ही अलग हैं। नंबर 7, डेनियल ब्रोइंग स्मिथ। यूं तो हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जो कि अपने हाथ पैर मोड़कर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बताते हैं, लेकिन जिस आदमी के बारे में भी आप जानने वाले हो उसे देखकर आप शायद यही कहोगे कि इस आदमी के अंदर तो हड्डी ही नहीं है। इस आदमी का नाम डेनियल ब्रोइंग है और इन्हें दुनिया के सबसे फ्लेक्सिबल आदमी के नाम से भी जाना जाता है। जब ये सिर्फ 4 साल के थे तब इन्हें अपनी इस काबिलियत के बारे में पता चला, क्योंकि सिर्फ 4 साल की उम्र में ही ये अपने बेट से जंप लगाकर फुल स्प्लिट करते हुए लैंड करते थे, जो कि एक 4 साल के बच्चे के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और आज के डेट में ये अपने हाथ पैरों को डिसलोकेट करके पूरा 180 डिग्री तक घुमा लेते हैं और साथ ही साथ ये अपने टॉर्सो को भी 180 डिग्री तक घुमा लेते हैं, जिसके चलते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने इन्हें मोस्ट फ्लेक्सिबल मैन का वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया है। नंबर 6, मुहिबीजा बुलजू बेसिक। इस आदमी के नाम के साथ साथ ये आदमी बहुत ही अजीब है, क्योंकि इसके पास जो एबिलिटी है उससे यकीनन इसकी गाड़ी की चाबियां नहीं घूमती होंगी। मुहिबीजा को मैग्नेट मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी एक चुंबक की तरह काम करती है। मुहिबीजा को अपनी इस एबिलिटी के बारे में 2009 में पता चला और इस एबिलिटी के चलते वो अपने शरीर पर चाकू, चम्मच और फॉक्स चिपका लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये अपनी बॉडी पर नॉन मेटल ऑब्जेक्ट्स भी चिपका लेते हैं, जैसे कि रिमोट और मोबाइल फोन, जो कि सुनने में ही बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन इस आदमी की एबिलिटी कमाल की है। नंबर 5, यू ज़ेनहुआंग। यू ज़ेनहुआंग दुनिया के सबसे ज्यादा बालों वाला आदमी है और ये पूरी दुनिया में मंकी मैन नाम से भी फेमस है। एक रिपोर्ट के अनुसार इनकी बॉडी का 96% भाग बालों से कवर है। ज़ेनहुआंग 1979 में पैदा हुए थे और जब ये सिर्फ 2 साल के थे तभी से ये इस जेनेटिक कंडीशन से जूझ रहे हैं, जिसके चलते इनकी बॉडी बालों से ढकी हुई है। और इसी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने इन्हें दुनिया के सबसे ज्यादा बालों वाला आदमी होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया है। नंबर 4, कार्लोस रोड्रिगेज। पहली नजर देखने पर तो ऐसा लगता है जैसे ये फोटो फोटोशॉप से एडिट किया हुआ हो, लेकिन अगर आप भी ऐसे ही सोचते हो तो आप गलत हो, क्योंकि ये कोई एडिटिंग नहीं है बल्कि इस आदमी का सर सच में भी इसी तरह का है। कार्लो रोड्रिगेस एक मेक्सिकन अमेरिकन है और हमेशा से इसका सर ऐसा नहीं था, बल्कि जब ये ड्रिंकिंग और ड्रग्स लेकर गाड़ी चला रहा था तभी इसकी गाड़ी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया और इसकी गाड़ी के साथ साथ इसके सर का भी चूरा हो गया। और ये सिर्फ किस्मत की बात थी कि इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद भी इसकी जान बच गई और डॉक्टर उसको सर्जरी करके इसके सर का ऊपरी हिस्सा निकालना पड़ा, लेकिन ये बिल्कुल हेल्दी है और एक हेल्दी लाइफ जी रहा है। नंबर 3, वॉन्ग फैंग। नाम सुनकर तो आप समझ गए होंगे कि ये औरत चाइना की रहने वाली है। वॉन्ग फैंग जब पैदा हुई थी तब इनके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और डॉक्टर्स को लगता था कि शायद ये अपनी डिसेबिलिटी की वजह से कभी चल भी ना पाए, लेकिन वॉन्ग फैंग अभी 30 साल की हैं और वो अपने आप को डिसेबल नहीं समझते। बस उनका ये मानना है कि वो दुनिया से अलग हैं और अभी वो चाइना के रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती हैं। नंबर 2, मिशेल कोपके। पतली कमर पाना तो हर लड़की का ड्रीम होता है, लेकिन क्या कभी आपने इतनी पतली कमर देखी है जिसका साइज एक जार के बराबर है? आपने बिल्कुल ठीक सुना, असल में मिशेल नाम की ये औरत दुनिया की सबसे पतली कमर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, जो कि अभी के टाइम पर केती जंग के पास में है। उनकी कमर 1999 में 15 इंच की मापी गई थी। मिशेल के अनुसार वो पूरे दिन ही दुबले होने का डिवाइस पहने रहती हैं और सिर्फ शावर लेने के टाइम पर ही उसे उतारती हैं, और अभी के टाइम पर इनकी कमर 16 इंच की है। लेकिन इनकी पतली कमर दिखने में तो अजीब लगती ही है और साथ ही साथ इन्हें अपनी पतली कमर की वजह से दिन में कई बार कम कम खाना खाना पड़ता है और उन्हें सांस लेने में भी बहुत तकलीफ होती है। दोस्तों, नंबर 1 के बारे में जानने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो,
या अभी तक आपने द नॉलेज बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में इस बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको डेली मिलते रहें। नंबर 1, वलेरिया लुगियानोवा। पहली नज़र देखने पर तो ये फोटो किसी बार्बी डॉल का ही लगता है, लेकिन आपको बता दें कि ये जीती जागती एक लड़की है जो कि यूक्रेन की रहने वाली है। ये एक मशहूर यूक्रेनियन मॉडल है जिसे लोग ह्यूमन बार्बी डॉल भी कहते हैं। इस लड़की का नाम वलेरिया लुगियानोवा है। हालांकि हम इसे देखकर ही समझ सकते हैं कि इसने अपने इस लुक को पाने के लिए कई सर्जरीज का सहारा लिया है, और जैसे कि हम इस पुराने फोटो में देख सकते हैं कि इसकी नाक पहले के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही पतली हो गई है और इसका चेहरा भी बहुत छोटा हो गया है। लेकिन इस लड़की का कहना है कि इसने अपने लुक को पाने के लिए किसी भी सर्जरी का सहारा नहीं लिया, लेकिन इसके पहले और अभी के फोटोज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। दोस्तों, इन सभी लोगों में से किसके बारे में जानकर आपको सबसे ज़्यादा हैरानी हुई नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।